हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग हम केदारनाथ धाम जी का है। केदारनाथ धाम जी आप सब जानते ही होंगे, हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। और दोस्तों, केदारनाथ धाम 12 महीनों में 6 महीने ही खुलता है, और 6 महीने ये मंदिर केदारनाथ धाम जी बर्फ से ढका रहता है। केदारनाथ धाम बाबा जी जब बुलाते हैं तभी आदमी जाता है वहाँ पे, उनकी कृपा से ही कोई जा पाता है। जब वो बुलाएं, मन की इच्छा जरूर किया की है कि हम भी आप वहाँ जाके दर्शन करें, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। हिमालय की गोद में सब कुछ अच्छा है। दोस्तों, ये तस्वीरें लाइव हैं, वहाँ क्या है ये केदारनाथ धाम जी का चौक। और दोस्तों देखो, बर्फ कैसे पड़ी हुई है पहाड़ों पे, चारों तरफ बर्फ, तापमान मेंस में चला जाता है यहाँ पे। जहाँ पे जाए अपने कपड़ा लीड़ा बहुत गर्म, और सारा सामान अपना लेकर जाए यहाँ पे दर्शन करने जा रहे। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम हर कोई जाना चाहता है जबकि मन की इच्छा हो। दोस्तों, केदारनाथ धाम हम आपको पूरी बात करना, वीडियो आपको हम सब इसकी हिस्ट्री बताएंगे, क्या क्या बात है केदारनाथ धाम की। और यहाँ पे श्रद्धालु इतने आते हैं कि बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे। महादेव जी बुलाए तो सबको जाना पड़ता है, महादेव जी के लिए कोई आगे जाता है तो महादेव जी भी उसको आगे आके उनको आगे लेके जाके अपना दर्शन कराते हैं, और यहाँ पे विराजमान रहते हैं यह भगवान भोलेनाथ जी के 12 मंत्र हैं। इनको जपने से भी आत्मा संतुष्ट और मन के कष्ट पाप कट जाते हैं। दोस्तों, ये मंत्र हैं, आप भी जपा करिए घर पे जब भी आप फ्री रहे। दोस्तों, हिमालय की गोद में केदारनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ जी हर समय विराजमान रहते हैं, सभी के दुख काटने के लिए जहाँ बैठे रहते हैं। और 3 तारीख 2 महीने 2024 का ब्लॉग है दोस्तों, ये बर्फ पड़ने लगी है। और दोस्तों, श्रद्धालुओं का भी पूरा जोश है यहाँ पे आने का, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। भगवान शिव त्रिकुण रूप में विराजमान है यहाँ पे। और दोस्तों, जब पांडवों ने ओ कृष्ण भगवान जी ने बताया कि आप लोगों से जो पाप हुआ, अपने साथी संगाथी भाई आप लोगों से श्रृंगार किया गया आपके हाथों से, जो आपको पाप हुआ है, ब्रह्म जो मैं पंडित लोग जो बोल देते जो भी होता है, इनके हाथ से जो पाप हुए हैं अपने भाइयों के, अपने बड़े से छोटे से सभी का, और इनको पाप लग गया है, वो पाप तभी कटेगा जब आप भगवान शिव के दर्शन करोगे। भगवान श्री कृष्ण जी बोले पांडवों को, तो पांडवों ने उस बात को मान लिया और वहाँ का जाने की तैयारी कर ली। भगवान शिव के और श्री कृष्ण जी भी उस टाइम स्वर्ग के लिए अपना प्रस्थान कर चुके थे। और उसके बाद पांडव और द्रौपदी
जी यहाँ पे चारों जगह चले जाते, ढूंढते ढूंढते भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे तभी उनके वे पाप कटेंगे, और स्वर्ग का मार्ग इनको मिलेगा। वही एक काल, और उसी को महाकाल बोलते हैं, वही करनी वही धरनी है दोस्तों। महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पे ये भड़कते रहते हैं, और महाकाल जी और भगवान भोलेनाथ जी जब ये जाते वहाँ से, भगवान भोलेनाथ जी वहाँ से चले जाते, और ये बहुत दुखी होते दोस्तों। और दोस्तों वहाँ से चले जाते, जैसे ये जाते वहाँ, उस युधिष्ठिर ने, जब केदारनाथ धाम के युधिष्ठिर ने भगवान भोलेनाथ को छिपते हुए देख लिया इनको, और युधिष्ठिर ने बोला, प्रभु हम आपके दर्शन के बिना नहीं जाएंगे, हमने आपको देख लिया है। इतने ही देखते तो वहीं से कहीं से बैल आके उन पे झपट पड़ा, और भीम ने उसकी पूछ पकड़ ली, और उसका सिर पहाड़ी के अंदर घुस गया, और जब इस पूछ खींची तो उसका धड़ उससे अलग हो गया। अलग हुआ तो उसी धड़ से शिवलिंग प्रकट हुआ। कुछ क्षण बाद भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग से प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए, और उनको दर्शन दिए, और उसी दोस्तों माना गया कि वहीं पे विराजमान रहते हैं, और बैल की त्रिकुण के रूप में आज भी वहीं विराजमान है, और मार्ग का स्वर्ग का उनको दिखाया, और पाप उनके कट गए, और उन्होंने उनकी शिवलिंग की पूजा की, और वहाँ से वो चल पड़े, और आज भी वहाँ पे लोग केदारनाथ धाम पे दर्शन करने इसलिए आते हैं कि वहाँ से पाप कट जाते हैं। और दोस्तों कैसा ब्लॉग रहा हमारे को ज़रूर बताना, चैनल पे नए हैं तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आपको हम नए से नए ब्लॉग में हम कुछ न कुछ नया दिखाया करेंगे। कृपया हमारा वीडियो फुल वॉच किया कीजिए, इससे आपको जानकारी पूरी मिल जाया करेगी। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग हमारा कैसा लगा। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आपको हम कुछ ना कुछ हर बार नया दिखाया करेंगे। ये केदारनाथ धाम को जी का, और दोस्तों ये 15 मंत्र हैं भगवान भोलेनाथ के, इसको जपा कीजिए। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जी।